आटा गूंदने लगी थी तो मैंने कहा आपसे ये भी शेयर कर लूं, क्योंकि एवरी डे तो मैं शेयर नहीं कर पाऊंगी क्योंकि अभी तो हॉलीडेज़ हैं तो रूटीन थोड़ी डिफरेंट है, और फिर 3 वीक बाद जो है रूटीन डिफरेंट हो जाएगी। अच्छा ये है काली नहीं ग्रीन ग्रीन मूंग फ्ला, ठीक है। अभी ये हो गया ज्वार का आटा, ठीक है। फिर उसके बाद ये हो गया बाजरे का आटा, उसके बाद ये हो गया बार्ले का आटा, ठीक है। तो बार्ले फ्ला, तो अब मैं जो है ये तीन, अब आपको नज़र तो नहीं आ रहा होगा, मिक्स करने के बाद मुझे ख्याल आया कि मैं इनकी वीडियो बना के आपको दिखा दूं कि मैंने पहले सिंपल नॉर्मल आटा लिया और उस सब में ये सब जितने भी हैं ये फ्लार और ये मैंने डाले हैं डिफरेंट डिफरेंट थोड़े थोड़े करके, क्योंकि एकदम से मैं टेस्ट जो है वो चेंज नहीं करना चाहती रोटी का, कि हस्बैंड भी फील करें कि नो ये तो गलत हो गया, मुझे तो दूसरी रोटी बना के दो। इस वजह से मैंने अभी इसको सिंपल रखा है, थोड़ा थोड़ा ही ऐड किया है। तो बाकी ये कि मैं साथ में आलू कीमा बनाने लगी हूँ, उसकी वीडियो भी आपको दिखा दूँगी, बहुत ही थोड़ा सा ऑयल लेके, और बल्कि ऑयल जो है वो मैं सोच रही हूँ कोकोनट ऑयल पे हम लोग स्विच कर लें, जो वेजिटेबल ऑयल है उसका बहुत सुना है कि बहुत ज़्यादा नुकसान आते हैं, जब एक चीज़ कर रहे हैं तो सब कुछ अच्छे से करें। अच्छा मैं आज सोची थी कि रोटी की वीडियो नहीं बनाऊंगी, फिर मुझे ख्याल आया क्योंकि मैंने इंग्रेडिएंट्स चेंज किए हैं आटे में और न्यू वाले डाले हैं, वो आपको जो बताया था 5 आटाज मैंने मिक्स किया है तो वो मैं आपको दिखाऊँ। तो देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी अच्छी रोटी, इसका मतलब किसी को बहुत भूख लगी हुई है। हमारे हम छोटे थे तो रोटी जब फूलती थी तो अम्मी हमारी कहा करती थी कि लगता है कोई बहुत ज़्यादा भूखा है, तो लगता है किसी को बड़ी भूख लगी हुई है, और वो किसी को कौन है, मैं हूँ। और यहाँ मैं रोटी रख लूँ, लपेट दूँ, और हल्की हल्की खट्टी सी बू आ रही है वो, क्योंकि मैंने खट्टे खट्टे आटे ही डाले हैं ना सारे। और यह आलू भी तैयार है, और जो है कीमा मैं जो बनाती हूँ आपको अभी तो बड़े बड़े टमाटर नज़र आ रहे होंगे वो, लेकिन मैं इसको भून के मैं ऑयल में प्याज फ्राई करके और उसके बाद उसमें एक तेज़ पत्ता, आप लोग सोचोगे वो तो पुलाव में डालते हैं लेकिन यकीन कीजिए इसमें डालना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जो है वो जो मटन मिलता है वो मटन नहीं होता, वो लैम होता है ज़्यादातर, तो उसमें से स्मेल आती है। स्मेल ख़त्म करने के लिए 2-3 लौंग, थोड़ा सा ज़ीरा और ये 2 पत्ते वो डाल के मैं उसको चिक जो है मटन को ऑयल में, यानी वो जो प्याज फ्राई हो चुका है उसी में फ्राई करके, और फिर बस उसको फ्राई करती हूँ। जब वो फ्राई हो जाता है फिर मसाले डाल के टमाटर हर चीज़ डाल। और अब ये देखें जनाब, मैं बेलने के बगैर रोटी बनाती हूँ, मैंने कभी बेलना यूज़ नहीं किया कभी, मतलब आजकल मैं कभी नहीं यूज़ किया, मतलब अभी जो 4-5 साल गुजरे हैं मैं उसमें मैंने आदत अपनी छोड़ दी है। और यह बहुत थकावट हो रही है अभी तो, 4 दिन बहुत ज़्यादा हो गया, फिर इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारा स्टेमिना जो है वो बिल्डअप हो जाएगा। अच्छा जनाब ये एक प्यारी सी यादगार वीडियो मेरे पास पड़ी हुई है, यादगार इसलिए क्योंकि अब जब मैं इसका वॉइस ओवर कर रही हूँ तो ये थोड़ा सा पुराना एक क्लिप है मेरे लिए, तो मेरी ब्राउनी इतनी छोटी हुआ करती थी और ये ब्राउनी और कैपरी दोनों ही मिलके जहाँ बैठते थे, आई जो है वो एक ख़राब हुई भी थी, मतलब वाटरी सी हुई भी थी ब्राउनी की पहले, उसके बाद वो ठीक हुई थी, फिर कैपरी की ख़राब हो। कैपरी देखें कितना छोटा सा मुँह निकाल के देख रही है, कितनी छोटी सी थी और मुझे उस वक्त भी ये बड़ी लगती थी। तो ये बहुत क्यूट सा क्लिप था, ये मेरी ज़िंदगी का यादगार क्लिप है, क्योंकि यूँ समझे कि 6-7 जुलाई को फ़र्स्ट टाइम मेरी लाइफ में जब मेरे पास किटन्स आए, तो मैं इमेजिन, मैं अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ इस ब्लेसिंग पे जो अल्लाह ताला ने मुझे अता की। तो मुझे बहुत बहुत क्यूट लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। कैप्री जो है वो माशाल्लाह से अब प्रेग्नेंट है और वो अब अभी मम्मी बनने वाली है, एंड कैप्री जो है वो बहुत, मतलब बहुत शाय है अभी तक, वो ऐसे है वो अपने मूड पे है, वो अपने मूड पे आती है, प्यार करवाती है, पास बैठती है। और फिर जो ब्राउनी है वो मोहतरम ज़रा भी शाय नहीं है, वो बाबा बनने वाली है। देखिए अभी कितने क्यूट छोटू से हैं। सो अब तो माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, और अजान हो रही है, अजान के बाद मैं वॉइस ओवर करती हूँ। का वो मैं आपको दिखाती हूँ। वाओ ये बहुत प्यारा है, ऐसे मेरी कैट जरूर जरूर खेलेंगी, फैंटास्टिक, दिस इज़ ब्यूटीफुल। ये मैंने लिया है अपनी कैट्स के लिए,
और पता नहीं ये इसकी लेंथ भी ज़्यादा हो पाएगी या नहीं, या सिर्फ ये ऐसे ही है। चलो इसको खोल के देखते हैं थोड़ी देर में। और फिर ये मैंने उनका एवरीबॉडी नोज़ ये क्यों होता है, ठीक है, एक ये मैंने ले लिया, ये अच्छा हो गया उनके लिटर के लिए, ठीक है। और उसके बाद मैंने उनका लिया है शैम्पू, जेंटल स्किन 99% बैक्टीरिया लॉन्ग लास्टिंग। अच्छा ये वाला जो है ये नो रिंस शैम्पू है, इसमें सिर्फ आपको स्प्रे करना होगा और बग़ैर पानी से जो है वो सिर्फ आप स्प्रे करके ही उसको ब्रश करेंगे तो आपकी जो मानो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगी। और उसके बाद एक रिंस वाला भी शैम्पू मैंने लिया है। जैसे ही मौसम अच्छा होता है, थोड़ी सर्दियाँ जो है वो कम हो जाएंगी, मौसम अच्छा हो जाएगा, तो मैं फिर उनको नहलाऊंगी और तब तक वो मुझे बहुत ज़्यादा अटैच हो जाएंगी। फिर उनके लिए मैंने और क्या लिया, अब तो मुझे याद भी नहीं आ रहा मैंने क्या क्या ऑर्डर किया था। ऑर्डर भी आ गया, इनके बाल वगैरह और इनका जो भी इनकी डस्ट, इनके बाल इधर उधर चिपकते रहते हैं, ये उसके लिए बेस्ट हो गया। जनाब इनका नेल कटर, प्लास लग रहा है मुझे तो, पाकिस्तानी प्लास। और ये है जनाब इनका नेल फाइलर। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, मेरी कैट्स की पहली शॉपिंग जो है वो आज रिसीव हो गई। और देखती हूँ कि ये टॉय जो है ये इन्हें पसंद आता है नहीं आता। खैर ये होगी आज की मेरी क्यूट सी छोटी सी शॉपिंग, जिसका मुझे बहुत इंतज़ार था, देखने में बहुत कुछ लग रहा था, लेकिन ये देखिए इतना बड़ा बॉक्स, दो बॉक्सेस, और आखिर में ये छोटा सा चुनू मुनू सा सामान निकला है। नो कैप्री 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 ब्राउनी, अच्छा नहीं लगा आपको, अच्छा नहीं लगा, छोड़ रहे हो, ओके छोड़ जाओ छोड़ जाओ, अंगड़ाइयाँ देखो जरा, अंगड़ाइयाँ देखो चला, इतनी छोटी छोटी सी अंगड़ाइयाँ, भागना नहीं है, भागना नहीं है, वेरी गुड, चुने चुने से पहले चुने चुना जाओ ब्राउनी, लुक हियर, इतनी ज़्यादा नींद आई हुई है, इतनी ज़्यादा नींद आई हुई है, कैप्री को भी ब्राउनी को भी, हाँ मुंह पर करो दिखाओ, ओ जो क्यूट, इसको देखो जो क्यूट, सो जाओ।